नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अंजर हीटवेव सुरक्षा गाइड क्या कहते हैं डॉक्टर? अंजर बड़वानी जिले में इस वर्ष अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है, जिसे हीटवेव कहते हैं। हीटवेव से सुरक्षा की क्या गाइडलाइन है? 44 से 46 डिग्री के तापमान में क्या सुरक्षा करना चाहिए और डॉक्टर क्या सजेशन दे रहे हैं? हमारे संवाददाता द्वारा अंजर सिविल अस्पताल में जाकर विजिट किया और डॉक्टर अजय पिपलिया जी से लू से बचने के क्या उपाय है और आम नागरिक को डॉक्टरों की क्या सजेशन है, उसके बारे में हमारे संवाददाता द्वारा विस्तार से जानकारी ली गई। फिर सिविल अस्पताल की डॉक्टर मैडम गायत्री पंडित से भी बात की गई, जो आम नागरिकों के लिए सजेशन उन्होंने दिए हैं वह इस प्रकार से है। दोपहर को 12 से लेकर 3 बजे तक कम से कम बाहर निकले और पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। खाने में हल्का भोजन खाएं। दिन भर में एक से ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन न करें। अगर तेज पानी की प्यास लगी हो और पानी ना हो तो नारियल पानी का सेवन करें और चेहरे और कान को ढक कर ही बाहर निकले। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अंजर सिविल अस्पताल में रोजाना लगभग 250 पेशेंट ओपीडी में दर्ज होते हैं। सिविल अस्पताल में सभी वार्डों में हवा के लिए कूलर प्रशासन की ओर से लगा रखे हैं एवं ओपीडी में भी हर तरफ कूलर लगे हुए हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। बहुत जरूरी नहीं हो, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिसको बहुत जरूरी हो तो कपड़ा मुँह पे बांध के छाता वगैरह लेके मतलब धूप से बचते हुए निकलना चाहिए, क्योंकि इसके बीमार होने की संभावना रहती है। कि धूप में कुछ स्ट्रोक हो सकता है। साथ में पानी की बोतल वगैरह लेके चलें, पानी पीते रहें दिन भर बचने के लिए। खाने में ज़रा ज़्यादा मतलब ऐसा तीखा खाना, चटपटा खाना, तला हुआ खाना ये नहीं खाना है। हल्का खाना लें और घर में आराम करें। मैडम एक चीज़ और है कि जैसे अभी दिन में क्लाइमेट 3 स्टेप पे चलता है, जैसे सुबह क्लाइमेट का कम रहता है, दोपहर को ज़्यादा हो जाता है और शाम को फिर कम हो जाता है। इसी कंडीशन में अधिकतर लोगों के अंदर लू लपट लग के और बुखार आने की संभावनाएं बनती है, उन लोगों के लिए क्या सजेशन है? लू लगने के लिए क्या रहता है कि जैसे जो काम कर रहे हैं बाहर, उनको पानी का अधिक उपयोग करना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने, धूप से हमेशा बचना चाहिए। धूप से नहीं बचोगे तो लू लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर असमिक अगर कोई आदमी को ज़्यादा तबीयत खराब हो तो उसने तुरंत कहाँ हॉस्पिटल आके और अपनी जान में आना चाहिए और अपना इलाज जांच करवाए। हम बात करते हैं अंजर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय पिपलिया जी से। सर अभी जो हीटवेव चल रहा है, जैसे क्लाइमेट 3 स्तर पे चल रहा है, फर्स्ट राउंड जैसे सुबह के अंदर क्लाइमेट डाउन होता है, शाम की टाइम थोड़ा कम हो जाता है और बीच का टाइम में बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आम आदमी को जैसे बाहर जाता है तो लू लगने का खतरा रहता है या बीमार होने का डर रहता है, तो उसने अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जो मौसम चल रहा है उसमें दोपहर के समय में काफ़ी गर्म रहता है, तो जो जनता है उनसे निवेदन है कि कम से कम कोशिश करें कि कम से कम दोपहर के समय बाहर निकलें और पूरे दिन के समय अधिक। हम बात करते हैं अंजर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय पिपलिया जी से। सर अभी क्लाइमेट बड़वानी ज़िले के अंदर काफ़ी हाई चल रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर आम आदमी को लू लगने का और तबीयत खराब होने की संभावनाएँ बढ़ती है, आप आम जनता के लिए क्या सजेशन देंगे? आम जनता से हमारा यही निवेदन है कि दोपहर के समय कम से कम बाहर निकलें, जो भी अपने काम है वो सुबह या शाम के समय जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है तब करें, और दिन भर अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें, पानी का सेवन करें और जो भी तरल पदार्थ है वो अधिक से अधिक लें। सर जैसे लू लपट अगर लग जाती है, बुखार आता है, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जनता से निवेदन है कि जैसे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अस्पताल आकर ही दिखाएं और वहीं से परामर्श आगे के लिए।